सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की शादी रुकवा दी। दूल्हा और दुल्हन अपने सामने ही आए थे। जयमाला होने ही वाली थी कि गर्लफ्रेंड जोर से बोली, ये शादी नहीं हो सकती। बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे बारात आई और सब मेहमानों ने खाना खाया और शादी की रस्म आगे बढ़ती गई। समय करीब रात 2 बजे जयमाला की रस्म शुरू होने ही लगी। तभी एक लड़की पहुंची और स्टेज के पास आते ही बोली, ये शादी नहीं हो सकती, इस लड़के से मैं प्यार करती हूं। जब लड़के के घरवाले अपने बेटे से बात करने लगे तो वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो लिया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़का बोला कि वह भी यह शादी नहीं करना चाहता। लड़के की यह बात सुनकर जिस लड़की की बारात आई थी उसके घरवाले और रिश्तेदार गुस्सा हो गए। लड़के और लड़की के घरवालों में बहस हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से दोनों पक्ष शांत हुए। इसी दौरान शादी रुकवाने वाली लड़की अपने गांव वापस लौट आई और बारात बिना शादी के साहा के गांव समलहेड़ी वापस लौट गई। इतना सब कुछ होने के बाद दोनों पक्ष यहां से अपने अपने घर वापस आ गए। अब दूल्हा पक्ष की ओर से समझौता करवाने के लिए बार बार लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसे में गाँव में मंगलवार को इस बात को लेकर पंचायत हो सकती है। लड़का पहले से ही अपनी प्रेमिका के संपर्क में था, इसलिए मौके पर आकर दोनों ने विरोध किया। शादी टूटने के बाद दुल्हन को अपने घर भेज दिया गया, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसका क्या कसूर था जो ऐसा किया गया। अगर दूल्हा पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने परिवार या दुल्हन को बता देता। सूत्रों के अनुसार अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दूल्हे की गर्लफ्रेंड किसके साथ आई थी, लेकिन ये तय है कि उसकी दूल्हे के साथ बातचीत हो रही थी। गर्लफ्रेंड यहां कुरुक्षेत्र से आई थी। वहीं दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे को जानते हैं।